नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपके दांतों के बीच में भी गैप है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि महिला या पुरुष सौभाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जिन स्त्रियों की मूंछ के बाल होते हैं या अगर पुरुषों को दाढ़ी मूंछ आती है तो ऐसे लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से धर्मलोक चैनल पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य और उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ, शगुन अपशगुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छुपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे शरीर पर कुछ चीन हो या तेल का, यहाँ तक कि हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ ना कुछ अर्थ छुपा है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। हर किसी का रंग रूप, स्वभाव, विचार सब एक दूसरे से भिन्न है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ बातें होती हैं, उसमें हमें काफी कुछ पता चलता है। इनमें से कुछ निशान हमारे लिए लकी यानी के सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, तो वहीं कुछ अन्य की यानी की दुर्भाग्य का कारण। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हमारे शरीर की कुछ ऐसे ही लकी और अंगों की बनावट के बारे में जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यह जो कहे कि हमारे जीवन में इनका होना हमारे लिए भाग्य की बात है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर के बनावट के बारे में। नंबर एक, गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर मिले नसीब में जरूर लिखा होता है। नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। वहीं जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वह भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। जुड़ा और लंबा माथा और उस पर पड़ने वाली लकीरें भी हमारे सौभाग्य को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति हर काम को जल्द ही पूर्ण कर लेती है और हमेशा ऊंचा नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति हर कार्य में सफलता पाते हैं और ऊंचा नाम कमाते हैं। नंबर दो, यूं तो बालों का कम होना या गंजेपन को सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। नंबर तीन, दोस्तों, महिलाओं की मान सीधी होना भी अच्छा माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार टेढ़ा सिंदूर जो महिला बार बार लगाती हैं, तो इससे उसका दाम्पत्य जीवन बर्बाद होने लगता। नंबर चार, दोस्तों, शरीर पर तिल चाहे जंग से हो या यह तिल बाद में बने हो, इनका प्रभाव एक जैसा ही होता है। आइए जानते हैं किस अंग पर तिल का होना भाग्यशाली माना जाता है। जैसे कि माथे के बीचों बीच दिल हमारे लिए लकी होता है, इसी तरह हथेली, दा निकाल, दाएं आंख इत्यादि में जो तिल होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। नंबर पांच, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है या नहीं। मोती जैसे सफेद किसे पसंद नहीं होते और बिना फॉल्ट जाने के बिना दांत वाले दांत तो अच्छे ही दिखते हैं।
लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों के बीच में क्या किया फॉल्ट होता है वह ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं। इसी प्रकार जिनके दांत थोड़ी से बाहर निकले होते हैं वह थोड़े से जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होती है पर भाग्यशाली भी होते हैं। नंबर 6, आइए अब बात करते हैं हथेली और तलवों की। हथेली और तलवे अगर हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल रहते हो, साथ ही दिल का मध्य भाग उठा हुआ, रेखाएं भी स्पष्ट हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान भाग्यशाली होने की निशानी है। लंबी और पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मानी गई है। जिनकी नाभि गहरी होती है वह भी भाग्यशाली माने जाते हैं। नंबर 7, आइए अब बात करते हैं हमारी आंखों की। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। बहरी, काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई वह अच्छे भाग्य की निशानी होती है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि होठों के ऊपर बाजरा दाढ़ी का होना इन बातों की ओर इशारा करता है। अगर आपके भी होठ के ऊपर बाल हैं, तो आपको बता दें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप मूंछ के बालों के आधार पर भी भाग्य व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जिन स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए कि किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है। घर में धन वैभव को बर्बाद कर देता, पैसा सब खत्म हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को यहाँ के बालों को साफ रखना चाहिए। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं होती है तो ऐसे पुरुष भाग्य के गरीब होते हैं। वह पूरी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रह जाते हैं और हमेशा हर कार्य में सफलता का मुकाम हासिल करने में पीछे रह जाते हैं जिसके वह लायक होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में हर चीज को पानी में संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं ऐसे लोग किस्मत के बहुत ही धनी होते हैं। हालांकि इन्हें भी मेहनत कम नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जीवन में यह लोग हमेशा अपने कार्यों में नंबर वन रहते हैं और समाज में ऐसे लोग बहुत ही ऊंचा नाम भी कमाते हैं। धन, दौलत व शोहरत ऐसे लोगों के कदम चूमती है। नंबर 9, जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर दिखाता है ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। जैसे हमारा पेट, दोस्तों श्री का पेड़ अगर घड़े के समान होता है तो वह महिला हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा और बेसुध का होना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, मसूरों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे महिला की अगर एरिया काफी गंदे रहती है तो महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं रहती, हमेशा के लिए साथ छोड़कर चली जाती है। ऐसी महिला पूरे घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी आप को साफ रखना चाहिए। नंबर 10, दोस्तों जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज्यादा आवाज करती है, बहुत तेज चलती है, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं
तो यह भी अच्छा लक्षण नहीं है। चलते समय अगर पैर घसीट कर चलते हैं, जो लोग यह कोई भी कारण से आवाज अगर ज्यादा है पैरों की तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए स्त्रियों को पायल पहननी चाहिए ताकि चलते समय पायल की मधुर ध्वनि से घर में शुभ टावर सकारात्मकता रहे। जिन भी लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है तो यह सीधा सीधा अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के बराबर है। जो नाखून चबाने वाले लोग होते हैं वह हमेशा किसी ना किसी मानसिक दबाव में होंगे, किसी ना किसी कुंठा का शिकार होंगे। कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठहरा नहीं आएगा, जबकि जिनके नाखून लंबे चमकदार होते हैं ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो दोस्तों यह तो थे वह लक्षण जिनसे व्यक्ति के सौभाग्य के बारे में जाना जा सकता है। आइए अब जानते हैं महिलाओं का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पवित्र होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है और जहां इनका अपमान होता है इन्हें गालियां दी जाती हैं, इन्हें बार बार परेशान किया जाता है तो वहां पर गलती से भी देवता कभी भी बात नहीं करते। इसीलिए महिला का सम्मान करें। महिला का सम्मान प्रकृति का सम्मान माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब यह भी जान लेते हैं कि महिलाओं में उनका सबसे पवित्र रंग कौन सा है। दोस्तों हमारे ऋषियों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र होते हैं, गाय की पीठ पवित्र होती है, घोड़ों और बकरियों के मुख पवित्र होते हैं। लेकिन बात जब एक महिला की आती है तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें तो ऋषि मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध है। वैसे तो किसी भी महिला का सिर एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा ही शरीर पवित्र होता है, लेकिन उसमें भी महिलाओं की नाभि सबसे ज्यादा पवित्र होती है। महिलाओं की नाभि में मां शक्ति का वास होता है। महिला की नाभि में तो इतनी शक्ति है कि बच्चे को जन्म देने वाली महिला की नाभि से ही कोख में पल रहे बच्चे का विकास होता है। महिलाओं के स्तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और मां का सम्मान करते हुए रोजाना अपनी नाभि पर तेल जरूर लगाएं। जो महिला रोजाना नाभि पर तेल लगाती हैं, ऐसी महिला होती है भाग्यशाली और ऐसी महिला हर रोग से दूर रहती है। ऐसी स्त्री से घर में आता है सौभाग्य है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।